सी, आज अभी जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा है तो उसमें बताया था कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, बट उसके पीछे कुछ रीजन है। उन्हीं रीजन्स को हम आज सॉर्ट आउट करेंगे कि आखिर ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वैसा क्यों है। तो एक एक करके हम कुछ एक रिएक्शंस और एक एक करके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ उसी स्ट्रक्चर को जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज के दो आइसोमर्स थे, लेकिन मैं किसी एक को एक्सप्लेन करके आपको समझा देता हूँ। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था आपका ये वाला, जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप था और उसके नीचे इस तरीके से 6 कार्बन एक साथ जुड़े हुए थे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आपको बताया था कि इसमें पहला वाला जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है वो राइट में है, दूसरा वाला जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है वो लेफ्ट में है, तीसरा वाला फिर आपका बाकी सबके सब जो है वो राइट में है, और लास्ट में क्या है, CH2OH है। मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरह बताया था कि हमें इस लास्ट वाले पे कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कायरल कार्बन नहीं होता है, तो हम सिर्फ कायरल वाले पे ध्यान देते हैं। तो ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, ठीक है, या ग्लूकोज का फॉर्मूला ऐसा क्यों है। तो एक एक करके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है कि ग्लूकोज का ऐसा फॉर्मूला क्यों है, ग्लूकोज का ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है, कैसे पता चला ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप है, कैसे पता चलता है एल्डिहाइड ग्रुप है, या बहुत सारी तरह की चीजें। एक एक करके बात करते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज जो मेरे माइंड में आ रही है वो ये कि हमें इसका फॉर्मूला कैसे पता चलता है। मान लो आप अगर ये इमेजिन कर लो कि ग्लूकोज आपको एक पाउडर के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि ग्लूकोज इजिली पाउडर के फॉर्म में आप खरीदते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है उसका फॉर्मूला पता करने के लिए, यहाँ मोल कॉन्सेप्ट पे जाना होगा आपको। आपने ग्लूकोज को कम्बशन करवाया, जब आप कम्बशन करवाओगे तो आपको याद होगा एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कम्बशन प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर। तो CO2 और वाटर प्रोड्यूस हुआ। अब CO2 और वाटर की मदद से आपने मास निकाल लिया कि CO2 इतना प्रोड्यूस हुआ और वाटर इतना प्रोड्यूस हुआ, राइट। और फिर उसकी मदद से आप वापस अगर अपने 11th क्लास के टॉपिक में जाते हो तो एम्पीरिकल फॉर्मूला निकलेगा, एम्पीरिकल फॉर्मूला निकलेगा। यानी सबसे पहली चीज जो ये है कि यूजिंग, आपको क्या यूज करना है, यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट एंड एंड एम्पीरिकल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, एम्पीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पीरिकल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वी गेट द फॉर्मूला, वी गेट द फॉर्मूला। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला मिलता है, और वो फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। तो सबसे पहले इस पे ध्यान दो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपको क्या करना है, ग्लूकोज का एक सैंपल लेना है, उस सैंपल को आप कंबशन करोगे, कंबशन करोगे दो चीज मिलेगा, CO2 और H2O। आप मोल कॉन्सेप्ट को यूज करते हो तो आपके पास अगर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मास है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबशन कराने से, तो आप उस मास को यूज करके एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो और एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। तो मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमने इसका फॉर्मूला पता कर लिया कि इसका फॉर्मूला है C6H12O6, यानी हमने उस व्हाइट पाउडर का फॉर्मूला पता कर लिया। अब बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में और क्या क्या बात है, ठीक है। ओके, दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या इससे पता चलता है वो देखते हैं। आपको क्या करना है, आपने ग्लूकोज लिया, ठीक है, ग्लूकोज का पहला कार्बन एल्डिहाइड के फॉर्म में है, उसके बाद बाकी जो कार्बन है वो कुछ इस फॉर्म में है, CHOH का होल 4, यानी 4 CHOH है, और फिर लास्ट वाला आपके पास CH2OH है, राइट। अब क्या करना है, इस ग्लूकोज को आपको HI के प्रेजेंस में, ध्यान से देखना है, HI के प्रेजेंस में आपको प्रोलॉन्ग हीटिंग करनी है। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या है कि लंबे समय तक इसको हीट करना है। तो प्रोलॉन्ग जब आप हीटिंग करोगे, रिमेंबर, प्रोलॉन्ग जब हीटिंग करोगे तो होगा क्या, आप बहुत अच्छी तरह से शायद जानते हो कि HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो आप, HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो ग्लूकोज में जितने भी ऑक्सीजन है उसको रिमूव करेगा और हाइड्रोजन जहां भी पॉसिबल होगा ऐड करेगा, ठीक है। और फिर ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में, ये किसमें कन्वर्ट होगा, एल्केन, लेकिन हमारा जो एल्केन यहां बनेगा वो होगा क्या, C6H14, यानी ये एक हेक्सेन में मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, हेक्सेन मॉलिक्यूल। और ये क्या दिखाता है कि ऑल द 6 कार्बन इन द ग्लूकोज दे आर इन स्ट्रेट चेन। रिमेंबर, ग्लूकोज का रिएक्शन जब HI से करते हैं तो इस रिएक्शन से एल्केन का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और इस रिडक्शन रिएक्शन से कंफर्म होता है कि ग्लूकोज के जो 6 कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन में है और नॉर्मल एल्केन के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो पहला इंफॉर्मेशन हमारा ये था कि इसका फॉर्मूला क्या था, C6H12O6।
क्या यूज किया, मोल कॉन्सेप्ट। दूसरा, ये कार्बन जो 6 है वो कैसे है, वो स्ट्रेट चेन में, ये हमने कैसे पता लगाया, HI के साथ रिडक्शन करवा करके। इस तरीके से हमें दूसरा इन्फॉर्मेशन मिलता है। चलो अगले रिएक्शन में पता करते हैं ग्लूकोज के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, और वो ये है कि ग्लूकोज में जो पहला कार्बन है हमारा वो एल्डिहाइड के फॉर्म में है। देखते हैं क्या होता है इसमें। तो जैसे आपको बताया ग्लूकोज आपका फॉर्मूला है CH, CHO, उसके बाद है आपके पास CH OH का होल 4, राइट। और अगर कंफ्यूजन कहां से आ रहा है आप इसको देखो, एंड फाइनली यू हैव CH2OH, राइट। अब इसको क्या करना है उस पर ध्यान दो, आपको इसे रिएक्ट करना है रिमेंबर NH2OH से, इससे रिएक्ट करना है NH2OH से। अब यहाँ पे NH2OH कैसे है मैं थोड़ा समझा दूँ अच्छी तरह। ये है हमारा NH2OH, आपको क्या करना है, मैं ये ऑक्सीजन भी यहाँ पे एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है ठीक है, और यहाँ आपका हाइड्रोजन है। क्या करना है आपको, अगर आप इसको देखते हो तो ये आपको पता चल जाता है कि ये एक लिविंग ग्रुप है, यानी यहाँ पे वाटर बनकर ये बाहर आ सकता है। तो होगा क्या, इस रिएक्शन से बाहर आया क्या, वाटर। और जब वाटर बाहर आया तो ये N जाकर जुड़ गया कार्बन के साथ, यानी आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो था C के साथ डबल बॉन्ड N के साथ, फिर है क्या आपके पास OH, राइट। और फिर इसके नीचे क्या है आपके पास CH और OH का होल 4, राइट। एंड इसके बाद है आपके पास क्या CH2OH। तो इस रिएक्शन में आपने क्या बनाया उसको देखो, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइन। और ये रिएक्शन इस बात को प्रूव करता है कि इस ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है वो एल्डिहाइड के फॉर्म में है। ध्यान समझो आप, ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है वो एल्डिहाइड के फॉर्म में है, राइट। और क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ऑक्साइम है, और ये इस रिएक्शन से दिखता है कि यहां पर कोई एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, ठीक है। अब एक इसी में हम दूसरे रिएक्शन को करके देखते हैं इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए, और वो है फिर से हम इसको देखते हैं, सी अगेन H है, डबल बॉन्ड O है, और उसके बाद है आपके पास CHOH का होल 4, CHOH का होल 4, एंड लास्ट में है क्या आपके पास CH2OH, राइट। और इसको आपको रिएक्ट करना है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। आपको अच्छी तरह पता है कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये साइनाइड हमारा क्या करेगा, कार्बन को अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और यहाँ पे कार्बन एक बेचारा कार्बन है, यहाँ पर कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन में, तो जब ये इसके ऊपर जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की ओर वापस बैक बॉन्डिंग करेगा। जब ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी वजह से H इसके साथ जाकर के लग जाएगा। तो फाइनली हमने क्या प्रोडक्ट बना लिया, वो बना हमारे पास C, यहां पर है आपके पास OH, ये ध्यान दो आप OH, और इधर आपका हाइड्रोजन है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि लिखो, और नीचे क्या है आपके पास ऑलरेडी CH OH का होल 4, CHOH का होल 4, एंड नीचे उसके बाद क्या है CH2OH। तो इस तरीके से CH2, तो ये क्या बनता है, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन। इन दोनों रिएक्शन का एक ही पर्पस है, वो ये दिखाता है कि बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस प्रूव दैट द फर्स्ट कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। लेट मी रिपीट बैक, अगर आप ग्लूकोज को रिएक्ट करवाते हो NH2OH के साथ तो इससे आपको ऑक्साइम मिलेगा, लेकिन अगर आप ग्लूकोज को हाइड्रोजन साइनाइड से करवाते हो आपको मिलेगा साइनोहाइड्रीन। ये दोनों रिएक्शन में सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, एल्डिहाइड कार्बन के साथ सारा रिएक्शन हो रहा है, और इस रिएक्शन में ये बात को प्रूव करता है कि जो पहला कार्बन है वो एल्डिहाइड के फॉर्म में मौजूद है। एक बार फिर से रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेक करो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये कार्बन की मदद के लिए जाएगा बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को अपने पोलराइज कर रखा है। साइनाइड गया कार्बन के साथ लग गया, ऐसा करने से क्या होगा कि ये एक बॉन्ड बैक बॉन्डिंग होगा, जब बैक बॉन्डिंग हुआ तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, तो ये रिच होने की वजह से वापस ये H को लेकर के ये वाला H इसकी ओर चला जाएगा, इसीलिए हमने प्रोडक्ट को ऐसे बना दिया, O के साथ H आ गया, C के साथ CN आ गया, बाकी एज इट इज है। फिर से क्या हो रहा है, ये दोनों रिएक्शन इसी बात को प्रूव कर रहा है कि जो पहला कार्बन है ग्लूकोज का वो एल्डिहाइड के फॉर्म में है। ऐसे ही कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ग्लूकोज के बारे में, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। मुझे इसको यही खत्म करना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू कम बैक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि वो अभी अधूरा रहता है। आपको अगले रिएक्शन से बताऊंगा ग्लूकोज से जुड़ी हुई और बहुत सारी सरप्राइजिंग बातें, राइट।